मैं जानता था कि अगर मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ ना हुआ तो मेरे डैड मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन तभी मुझे सीडी सलोनी, ये बाजी हम जीत चुके होते अगर तुम चिरमी बनकर हमें धोखा नहीं देती। तुम्हारी हरकतों ने मुझे अपने से बड़े पर हाथ उठाने को मजबूर कर दिया। काश तुम उस लायक होते जिसे मैं जीजी कहते, जीजी का आदर भी दे पाते। यू आर अंडर अरेस्ट। भाई साहब, मान लिया आपका बेटा आपके घर आ गया, लेकिन आपको याद है आपने मुझे भी अपना बेटा माना। अगर इस बेटे के प्यार में थोड़ी सी भी कमी आई ना तो मैं रूठ जाऊंगा। भाई, हमने पिछले जन्म में बहुत बड़ा कोई पुण्य किया होगा जो हमें ऐसे बेटे मिले जो उर्वशी की सच्चाई जानकर भी चुप रहे। हमारे लिए तुम लोगों ने अपनी खुशियां दांव पे लगा दी। किस्मत वाले तो हम हैं काका साहब, जो हमारे सर पर आपका हाथ है। अगर इस परिवार के चिराग के चाहत में हम आपकी जिंदगी दांव पर लगा देते तो ये खुशी अधूरी रह जाती। इसलिए धैर्य से काम लेके हम सब ने सही समय का इंतजार किया और देखिए, सब्र का फल मीठा ही है। आज हम सब साथ में हैं। नहीं सलोनी, आज एक की ऐसी कमी है जो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। हमारी अदिति जो इस लड़ाई में खो गई। अदिति का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, वो आज भी हमारे साथ है। इसलिए भावो, आज हमें आंसू नहीं बहाने चाहिए। ब्रजेश, तारा अपने बेटे को उसकी बुआ से इंट्रोड्यूस नहीं करोगे? अदिति, अपने भतीजे को आशीर्वाद दो, दुआ करो कि वो एक अच्छा इंसान बने। ऐसा लग रहा है जैसे एक नई सुबह हुई है, एक नई शुरुआत। तो क्यों ना इस शुरुआत को यादगार बनाने के लिए एक फैमिली फोटो हो जाए। गुड आइडिया, चलो चलो, हो जाए हो जाए। परिवार के सारे सदस्य यहाँ हैं, लेकिन हम लोग अपनी खुशी में क्षितिज को भूल गए। जिस खुशी की हम स्वागत मना रहे हैं उसे हमारे दरवाजे तक लाने वाले को तो हम बीच रास्ते में। और सर, थैंक यू, आपने हमें याद दिलाया। नाहर, हमसे दोबारा ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। नाहर और मैं जाकर क्षितिज को ले आते हैं, उसका फैमिली फोटो में होना बहुत जरूरी है। नाहर, चलो बाबू, ये लो। हमें यहां देखकर हैरान होने की जरूरत नहीं है क्षितिज, उस वक्त तो हम तुम्हें थैंक्स तक नहीं कह सके, तो यहां तो मैं आना ही था ना। सो दैट्स परफेक्टली ऑलराइट ब्रो, यू नीड नॉट थैंक मी।
तुम्हें जरूरत नहीं है क्षितिज, मगर हम तुम्हारा एहसान माने बिना नहीं रह सकते। अब प्लीज घर चलिए। घर? किसका घर? तुम्हारा घर? वो मेरा घर नहीं है, वो आप सबका घर है। क्यों क्षितिज, क्या हम तुम्हारे अपने नहीं है? ये सवाल तो आपको अपने काकासा से करना चाहिए नार, क्योंकि उनकी नजरों में मैं तो इस लायक भी नहीं कि वो मुझे अपना बेटा कह सके। उन्हें तो शर्म आती है मुझे अपना बेटा कहते हुए, तभी तो हमेशा उन्होंने मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप दोनों को दिए। तुम गलत सोच रहे हो क्षितिज, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर बेटा तो हमेशा बेटा ही होता है, काकासा चाहे तुमसे कितना क्यों ना नाराज हो, रिश्ता तो नहीं टूट सकता ना। हाँ क्षितिज, और जो भी गलत फहमियां हैं वो दूर हो सकती है। तुम हमारे साथ घर तो चलो। नहीं ना, मुझे अपनी इंसल्ट करवाने का शौक नहीं है। मेरे अपने डैड मुझे प्यार से अपना बेटा कहने की बजाय मुझे एक बिगड़ा हुआ लड़का मानते हैं, और मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकता। मैं टॉलरेट क्षितिज, प्लीज हम तुम्हें यहाँ लेने आए, एक बार चलकर तो देखो कि दैट्स नॉट पॉसिबल। प्लीज जिद मत कीजिए, मैं आप लोगों के साथ नहीं चल सकता। आई एम रियली सॉरी। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा बेटा मेरे पास हो कभी मेरा नहीं है। ऐसा क्यों कह रही है भाभी साहब, ये आप ही का बेटा है और नया माहौल है, नए चेहरे, बच्चा कितना भी छोटा क्यों ना हो इतनी समझ तो होती है उसमें। और फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसे कोई तकलीफ हो, भूख लगी हो या पेट दुख रहा हो। पर तकलीफ में मुझे कैसे समझ में आएगा क्या तकलीफ है इसे? धीरज रखिए, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे आप, अब सब ठीक हो जाएगा। क्या बच्चे से ज्यादा उसकी मां रो रही है? तारा क्यों घबरा रही है बेटे, बच्चे के लिए तेरा स्पर्श नया है ना, उसे पहचानता नहीं है ना अभी। दादी अपनी माँ को नहीं पहचानता ही। देख अभी अभी तो तेरी गोद में आया है और तुझे भी कहाँ आदत है बच्चा संभालने की, थोड़ा समय तो दे फिर देखना, माँ को छोड़कर किसी के पास नहीं आएगा। और मैं देख कैसे चुप कराती हूँ अपने बेटे को। हमें अपना बाप कहते हुए शर्म आती है उसे, जानता हूं मैं। नहीं नहीं क्षितिज यहां नहीं आएगा। अरे बहुत जिद्दी है वो अपनी माँ की तरह। माफ कीजिएगा काका साहब, छोटी मुंह बड़ी बात करने जा रहा हूं, लेकिन अगर आज क्षितिज आपसे अपना मुंह मोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी गलती है। काका साहब आपने हमेशा अपने बेटे को नजरअंदाज करके हमें ज्यादा प्यार किया है, उसमें हमेशा बुराइयां ढूंढी हैं आपने और हमारी तारीफ की। क्योंकि तुम दोनों तारीफ के लायक हो। नहीं काका साहब, भूल तो हमसे भी हुई, माना क्षितिज ने बहुत सी गलतियां की होंगी, लेकिन आपका बेटा है वो, अगर आप हमें माफ कर सकते हैं तो उसे भी तो माफी कहा गया। हाँ काका साहब, आखिर आपका अपना खून है क्षितिज। काका साहब जब आज मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया ना, तो मुझे एहसास हुआ कि एक बाप और बेटे के रिश्ते की अहमियत क्या होती है। अपने बेटे को जब मैंने अपने सीने से लगाया तो मैंने जाना कि एक बेटे के सीने में उसके बाप का दिल धड़कता है। दोनों के लिए एक दूसरे की जरूरत, प्यार और इज्जत एक सी होती है।
क्षितिज से जो भी भूल हुई वो कितनी भी बड़ी उसके जन्म के रिश्ते पर तो भारी नहीं पड़ सकती ना। उम्मीद है सर कि आपको हमारा होटल कंफर्टेबल लगा होगा। या थैंक यू। कैन यू प्लीज डू मी अ फेवर? जी बताइए। मुझे प्रताप हॉस्पिटल का एड्रेस चाहिए। आपको इस हाल में देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है मॉम। आपने अपनी जिंदगी में चाहे कितने भी बुरे काम क्यों ना किए लेकिन इस एक अच्छे काम के सामने आपकी सारी बुराइयां छुप गई। आपने सब कुछ बराबर कर दिया मॉम। एंड आई लव यू फॉर दैट। आई एम सॉरी मॉम। मुझे जाना होगा। रुक जाओ क्षितिज, हम सब तुम्हें लेने आए हैं। प्लीज प्लीज मत जाओ क्षितिज। क्षितिज अपना घर छोड़ के क्यों जा रहे हो तुम? क्षितिज हम सब की खुशियों में तुम्हारा भी हिस्सा है, मत जाओ प्लीज। रुक जाओ बेटा। बाप को छोड़कर चले जाओगे? संसार का बड़े से बड़ा सुख औलाद से बढ़कर नहीं होता। बाप एक छोटे से पौधे को सींच कर इस उम्मीद में बड़ा करता है कि अपना बुढ़ापा उसके साये में बिताएगा। बेटे आज हम भी बूढ़े हो चले और इन कमजोर बाहों को सहारे की जरूरत है। नहीं डैड, गलती मैंने की है। मैंने सिर्फ आपकी नाराजगी देखी लेकिन आपके गुस्से के पीछे छिपा आपका प्यार नहीं देख सका। आई एम सॉरी डैड, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए।
What's wrong with you, भाभी साहब? इस खुशी के मौके पर ये आंसू किस लिए? Come on, be happy, smile. ये आंसू खुशी के भी हैं और डर के भी. खुशी इस बात की कि तुम्हारी वजह से हमें हमारा बेटा मिल गया है, और डर इस बात का कि अगर तुम ना होते तो आज भी मैं अपने बच्चे के लिए तड़पती रहती. तुम्हारे एहसान की वजह से आज मेरा बच्चा मेरे पास है. क्षितिज, जो एहसान तुमने हम पर किया है उसे हम लोग चाहकर भी नहीं उतार सकते. इतने बरस तुम हमसे दूर रहे, लेकिन तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया है ना, वो सिर्फ एक अपना ही कर सकता है. नो बिग प्रॉब्लम, दूरियों से रिश्ते तो नहीं बदलते ना. और वैसे मैंने जो कुछ किया है उससे सबसे ज्यादा फायदा तो मुझे को हुआ है. आप सब लोगों ने तो अपना एक खोया रिश्ता पाया, लेकिन मैंने एक साथ इतने सारे रिश्ते पा लिए. क्षितिज, आज तक हम सब दो भाई थे, लेकिन आज के बाद हम तीन भाई. और देवर साहब, रिश्तों की ये झड़ी यही खत्म नहीं हो जाती. मत भूलना कि आपकी दो दो भाभियां भी हैं, जो आपकी किसी भी बदमाशी पर आपके कान खींच सकती है. ऐसे अभी साहब मेरे कान क्यों खींच रही है? मैंने तो अभी तक कोई गलती भी नहीं की. आज इतने सालों बाद परिवार के सभी सदस्यों को, छोटों को बड़ों को एक साथ देखकर छत के नीचे अच्छा लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि काश वक्त यहीं ठहर जाए. मुझे मालूम है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है. ऐसा वक्त को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन इस पल को अपनी यादों में कैद जरूर कर सकते हैं. कौन सा, क्या कहते हैं, अब एक फोटो हो जाए? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं. कैमरा तो कब से इंतजार कर रहा है, मैं अभी कैमरा लेके आया. चलो, जब तक कवर सा कैमरा लेकर आया, मैं मुन्ना से बातें करती हूँ. आ जाओ भैया, हम आप ही की बात कर रहे हैं. अरे भाई, आ गया आ गया आ गया, कैमरा आ गया. क्या बात है कावेरी जी, आज आप कोई सीरियल नहीं देख रही हैं? क्या सीरियल देखूं? इसका ड्रामा तो बिल्कुल भीखा है. जिस ड्रामे का मैं इंतजार कर रही हूं उसकी तो कोई खबर ही नहीं है. अजी, इंतजार लंबा हो जाएगा लेकिन खबरें आएंगी नहीं. वो क्या है ना कावेरी जी, कि अपने जेल से, मेरा मतलब है हिंदुस्तान के जेल से, खबरें आने जाने पर पाबंदी है. पहले ये जरा मुंह तो मीठा कीजिए. लीजिए लड्डू खाइए. अरे लीजिए ना. बताइए लड्डू किस लिए? क्या है कि दशहरे पे मिठाई तो बांटते ही, एक रावण तो हमारे घर में भी पल रहा था ना कावेरी जी. मेरा मतलब है जीजी, यानी कि उर्वशी जी. क्या है कि वो पुलिस की हिरासत में है, और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे घर का चिराग, यानी कि तारा जी की औलाद, अब तारा जी की गोद में खेल रहा है. अरे आप लोग, ये बहुत खुशी की बात. खमागड़ी, आप लोग मिठाई खाइए ना. अरे खाइए खाइए, क्यों नहीं, बस ऊपर वाले की कृपा है. ये तो वाकई खुशी की बात है, पर ये तो बताइए कि ये सब हुआ कैसे? अजी अब कैसे होगा, एक ही तो है जिनमें उर्वशी जी से टक्कर लेने की हिम्मत है. ठाकुर साहब, आपको अपनी औलाद पे गर्व होना चाहिए. हमारे घर की, हमारे खुशियों की रक्षक सलोनी जी. ऐसा हाथ मारा उर्वशी जी को कि चारों खाने चित. अरे आप क्यों बैठी है, आप लीजिए, मुंह मीठा कीजिए. वन पे वन फ्री है, एक और मिलेगा, ये खत्म कीजिए. अरे आप लोग भी लीजिए ना. खाइए खाइए. इसे कहते हैं किस्मत का फूटना. सारी जिंदगी ऐसे ही
हार के लड्डू खाने पड़ेंगे या कभी सलोनी से जीत कर लड्डू भी बांट पाऊंगी मैं।